मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज अररिया में होने वाले समाधान यात्रा पर बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने तंज कसा है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री समाधान करने नहीं पिकनिक मनाने अररिया आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिले वासियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस पिकनिक यात्रा के दौरान कई मसलों पर सवाल पूछने की अपील की। सांसद ने कहा कि बिहार सरकार की नियत और नियति के कारण आज अररिया का विकास ठप पड़ा है। विगत 3 वर्ष पूर्व बियाडा द्वारा जमीन अधिकृत किए जाने के बावजूद जिले में अभी तक मक्का उद्योग चालू नहीं हो पाया है। अररिया जिला के तमाम भाइयों बहनों एवं अपने सम्मानित अभिभावकों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि कल हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री 3 तारीख को अररिया आ रहे हैं समाधान यात्रा पे। मैं अररिया की आवाम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 17 साल बाद समाधान यात्रा में आए हैं। मित्रों, ये हर साल कुछ न कुछ यात्रा में निकलते ही हैं, कभी विकास यात्रा तो कभी कुछ यात्रा। मैं अररिया जिला के लोगों से यही कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछिए। और मैं भी पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान के लिए निकले हैं 17 साल के बाद, अनेक अनेक नाम बदल के निकलते हैं, अब राजनीति करना छोड़ दीजिए, अब सामाजिक काम होना चाहिए, अररिया का और बिहार का विकास होना चाहिए। मैं सवाल करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान यात्रा में आए हैं, आपका स्वागत है, परंतु अररिया जिला का जो समस्या है, नीति आयोग के रिपोर्ट में भारत सरकार ने रिपोर्ट दिया है कि अररिया जिला पिछड़ा जिला है, परंतु इन पिछड़ा जिला में आपने विकास के काम का जो बाधक बन के रहा, मैं उसके बारे में अररिया जिला के लोगों से बताना चाहता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कल सवाल कि मुख्यमंत्री जी, आप अररिया आए हैं समाधान यात्रा में, तो अररिया में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना। मित्रों नमस्कार, मैं अररिया जिला के तमाम भाइयों बहनों एवं अपने सम्मानित अभिभावकों से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि कल हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री 3 तारीख को अररिया आ रहे हैं समाधान यात्रा पे। मैं अररिया की आवाम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 17 साल बाद समाधान यात्रा में आए हैं। मित्रों, ये हर साल कुछ न कुछ यात्रा में निकलते ही हैं, कभी विकास यात्रा तो कभी कुछ यात्रा। मैं अररिया जिला के लोगों से यही कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि कल मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछिए। और मैं भी पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान के लिए निकले हैं 17 साल के बाद, अनेक अनेक नाम बदल के निकलते हैं, अब राजनीति करना छोड़ दीजिए, अब सामाजिक काम होना चाहिए, अररिया का और बिहार का विकास होना चाहिए। मैं सवाल करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाधान यात्रा में आए हैं, आपका स्वागत है, परंतु अररिया जिला का जो समस्या है, नीति आयोग के रिपोर्ट में भारत सरकार ने रिपोर्ट दिया है कि अररिया जिला पिछड़ा जिला है, परंतु इन पिछड़ा जिला में आपने विकास के काम का जो बाधक बन के रहा, मैं उसके बारे में अररिया जिला के लोगों से बताना चाहता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए कल सवाल कि मुख्यमंत्री जी, आप अररिया आए हैं समाधान यात्रा में, तो अररिया में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना। आज से 4 साल पहले बिहार सरकार की आपकी चिट्ठी आई थी और वह चिट्ठी में स्पष्ट था कि जमीन जो पहले देगा वह पहले मेडिकल कॉलेज पाएगा, पहले और पहले पाव के तर्ज पर